हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जनवरी माह के करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी प्री जिसका एग्जाम होने वाला है आपके 14 फरवरी को, उसके बाद 25 फरवरी 2021 से सीजीपीएससी ई पाठशाला का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा प्री 2022 को टारगेट करते हुए। यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपके पीएससी प्री के एग्जाम होंगे उसको टारगेट करते हुए एक नया फ्रेश बैच बनाया जा रहा है जो स्टार्ट होगा आपके 25 फरवरी 2021 से। तो आपको इससे इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका पक्षी महोत्सव, प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव जिसका आयोजन हो रहा है आपके गिधवा परसदा जिला बेमेतरा में। बेमेतरा जिला के आपके गिधवा परसदा वाले क्षेत्र में आपके प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम का एक सेलेक्टेड क्वेश्चन बनेगा आपका पक्षी महोत्सव। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ, तो वो है आपके बेमेतरा जिले में। किस स्थान पर हुआ? गिधवा परसदा। परसदा जहां पर एक छोटा सा जलाशय टाइप का है जहां पर पक्षियों का जमावड़ा, प्रवासी पक्षी, विदेशी प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा होता है इस शीतकालीन मौसम में, यानी कि ठंड के मौसम में यहां पे प्रवासी पक्षी आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका गिधवा जो है, ये गिधवा प्रदेश का पहला प्रवासी पक्षी विहार है ये, ठीक है, इसी स्थान पर है एक आपका गिधवा पक्षी विहार। देखिए, इस पक्षी महोत्सव का आयोजन हो रहा है आपके 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक, ठीक है, 31 जनवरी से 2 फरवरी 3 दिवसीय आपके इस पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम भी रखा गया है हमर चिराई हमर चिन्हारी। हमर चिराई, चिराई का मतलब होता है चिड़िया, चिन्हारी का मतलब होता है पहचान, तो हमर चिराई हमर चिराई हमर चिन्हारी इसका एक थीम रखा गया है। और इसी थीम के आधार पर हमारे प्रदेश को जो आपके PCCF है यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राकेश चतुर्वेदी, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब प्रतिवर्ष दिसंबर माह में, यानी कि जो ठंड का जो मौसम है वो ठंड का मौसम अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक रहता है, तो इस बीच में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में यानी कि साल के अंत में अब प्रतिवर्ष आपके पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए, ये जो आपके जो गिधवा परसदा वाला क्षेत्र है यहां पे लगभग 150 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा रहता है। इस पक्षी महोत्सव में आसपास के राज्यों के पक्षी विज्ञान और आप पक्षी विज्ञानी और आपके बर्ड वॉचर इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, तो बेमेतरा जिले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पद्मश्री, पद्मश्री 2021, पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया जाएगा आपके डॉक्टर राधेश्याम बारले को, ठीक है, डॉक्टर राधेश्याम बारले को आपके पद्मश्री 2021 से नवाजा जाएगा। देखिए, ये जो आपके डॉक्टर राधेश्याम बारले है ये आपके पंथी कलाकार है, पंथी जो कि सतनाम पंथ से संबंधित एक आपका नृत्य है, पंथी नृत्य। इस पंथी नृत्य में नृत्य के साथ साथ इसमें जो है आपके जो गुरु घासीदास है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास के उपदेशों को बताया जाता है इसमें पंथी नृत्य के माध्यम से। प्रदेश के यह एक पंथी कलाकार है डॉक्टर राधेश्याम बारले, जो कि आपके MBBS एक डॉक्टर भी है और साथ ही साथ इन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत की इन्होंने आपकी उपाधि भी ली हुई है, यानी कि स्नातक की डिग्री भी इन्होंने धारण किया हुआ है। उपलब्धि, देखिए, प्रदेश का पहला देवदास बंजारे सम्मान इन्हें ही प्रदान किया गया था वर्ष 2008 में, देवदास बंजारे जिन्हें पंथी नृत्य का पितामह कहा जा सकता है, ठीक है, देवदास बंजारे, स्वर्गीय देवदास बंजारे जो कि आपके एक पंथी कलाकार, इन्हें पंथी नृत्य का आपका पितामह कहा जा सकता है, तो उन्हीं के नाम पर एक सम्मान प्रदान किया जाता है देवदास बंजारे सम्मान। इसी सम्मान से आपका नवाजा गया है डॉक्टर राधेश्याम बारले को वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है गुरु घासीदास सम्मान वर्ष 2012 से सम्मानित किया गया, भंवर सिंह पोत्रे सम्मान वर्ष 2016 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो आपके पद्म पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के यह 17वें व्यक्तित्व है, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राधेश्याम बारले पंथी कलाकार है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चेटवापुरी धाम। चेटवापुरी धाम यह भी संबंधित है आपके सतनाम पंथ से। सतनाम पंथ से संबंधित है आपका चेटवापुरी धाम। चेटवापुरी धाम ये कहाँ पर है? ये शिवनाथ नदी के किनारे राका ग्राम बेमेतरा, बेमेतरा जिले के राका ग्राम में शिवनाथ नदी के किनारे मौजूद है आपका चेटवापुरी धाम, जो कि सतनाम पंथ का एक प्रमुख आपका धार्मिक स्थल है। देखिए ये चेटवापुरी धाम में है क्या, यहाँ पर गुरु घासीदास जी के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु अमरदास जी का समाधि स्थल है। जो सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे आपके गुरु घासीदास जी, उनके जो पुत्र थे यानी कि उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी अमरदास जी का आपका समाधि स्थल है। इस स्थान पर उन्होंने समाधि लिया था। तो यहां पर जो है आपके प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है पूष पूर्णिमा यानी कि छेरछेरा के दिन। छेरछेरा के दिन से 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों तक चलने वाले मेले का आयोजन होता है आपके इस चेटवापुरी धाम में। तो चेटवापुरी धाम सतनाम पंथ से संबंधित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपका प्रतिवर्ष छेरछेरा या पूष पूर्णिमा के दिन से 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, धान की खरीदी। धान की खरीदी वित्तीय वर्ष 2020-21, हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी प्रारंभ हुई इस साल आपके 1 दिसंबर 2020 से, और ये धान की खरीदी आपकी चली 31 जनवरी 2021 तक। 1 दिसंबर 2020 से खरीदी प्रारंभ हुई और 31 जनवरी 2021 तक ये धान खरीदी चली। ठीक, ये जो धान की खरीदी के लिए यानी कि सरकार को धान बेचने के लिए प्रदेश के 21,52,980 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया। प्रदेश के 21,52,980 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया, और इस 21,52,980 किसानों में से 95.4% लगभग आपके 20 लाख किसानों ने धान बेचा है। ठीक, इस 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति में पंजीकरण कितने लोगों ने कराया, 21,52,980। इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा याद रखना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, धान खरीदी प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू में लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि इस साल लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन यह लक्ष्य पार कर चुका है यानी कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल जो है 31 जनवरी 2021 तक की स्थिति में प्रदेश में 92 लाख यानी कि 92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। ठीक है, इस आपके धान खरीदी के इस डाटा को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में सर्वाधिक धान की खरीदी जांजगीर चांपा जिले से हुई है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के किस जिले में जो है धान की खरीदी सर्वाधिक रही पूछा जाए, तो जांजगीर चांपा जिले से धान की खरीदी जो है वो सर्वाधिक हुई है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा आपके जो सामान्य धान है, सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निर्धारित किया गया था आपका 1868 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि आपके ग्रेड ए धान के लिए आपका निर्धारित किया गया था MSP वो था आपका 1888 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है यहाँ के किसानों से यानी कि प्रदेश के किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है। ठीक है, ये जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो धान की खरीदी करती है, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जिसमें MSP पर धान की खरीदी की गई इस अवधि के बीच में, और एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त राशि है 632 रुपये। ठीक है, 1868 के अलावा जो एक्स्ट्रा आपका 632 रुपये की राशि है वो बाद में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस की झांकी। गणतंत्र दिवस के परेड में हर साल जो है आपके झांकी, वहाँ पर जो है एक प्रकार से झांकी प्रतियोगिता, या आपके पूरे देश भर में से जो है देश भर के अलग अलग राज्यों के वहाँ पर झांकी पहुँचते हैं। तो इस साल जो है हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ से जो शामिल होने वाली झांकी थी वो थी हमारे प्रदेश की परंपरागत वाद्य यंत्र। इस यानी इस गणतंत्र दिवस की झांकी में हमारे प्रदेश के जो आपके परंपरागत जो जनजातीय क्षेत्र, ग्रामीण बहुल क्षेत्र में जो आपके वाद्य यंत्र जो वहाँ पर बजाए जाते हैं, उन वाद्य यंत्रों का एक झांकी प्रस्तुत किया गया था गणतंत्र दिवस के परेड में। देखिए, उसमें तो जो आपके जो परेड में जो शामिल जो आपका झांकी था उसे बहुत सारे वाद्य यंत्र थे, लेकिन जो मेन था उसको समझिएगा, इसे मेन था एक महिला जो धनकुल वाद्य यंत्र बजा रही है। धनकुल वाद्य यंत्र मटके के ऊपर एक सूपा रखा रहता है, ठीक है, मटके के ऊपर एक सूपा जिसे
धनुष, ठीक है, जिसे धनुष के द्वारा बजाया जाता है, एक महिला जो कि मटके के ऊपर आपकी सुपर रख करके उसे धनुष से बजा रही है, इसे कहा जाता है धनकुल, जो कि जागर गीत के समय इसे बजाया जाता है। मध्य में एक व्यक्ति जो है वो तुरही, ठीक है, तुरही एक वाद्य यंत्र है, कासे से बना हुआ वाद्य यंत्र है जिसे फूंक करके बजाया जाता है, इसे गौर नृत्य और आपके मांगलिक कार्यों के समय इस तुरही को बजाया जाता है। एक है आपका मांदर, मांदर इसे भी गौर नृत्य के समय ही बजाया जाता है मांदर। ये तीन जो है आपके बड़े उस झांकी में शामिल बड़े वाद्य यंत्र थे, और बाकी और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र, छोटे छोटे वाद्य यंत्र की झांकी भी उसमें शामिल की गई थी, लेकिन मुख्य आकर्षण के केंद्र ये तीन थे, एक थे धनकुल, दूसरा तुरही और तीसरा है आपका मांदर। इस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल झांकियों में जो प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया वो है आपके राम मंदिर यूपी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो राम मंदिर की जो झांकी है उसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया इको फ्रेंडली आत्मनिर्भर के कॉन्सेप्ट पर आधारित झांकी ये थी, ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ की झांकी को कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, लाख की खेती को मिला कृषि का दर्जा। लाख की खेती, लाख की खेती, लाख एक प्रकार का आपका चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि प्रदेश में आपके इस लाख की जो खेती है ये की जाती है कुसुम, पलास और बेर के वृक्ष में, इनकी जो आपकी टहनियों पर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है वो आपका कहलाता है लाख, ठीक है। प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है 18 जनवरी 2021 को कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 18 जनवरी 2021 को लाख को कृषि का दर्जा दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि लाख को कृषि का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। देखिए, लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से लाभ क्या होगा, लाख की खेती अगर कृषि का दर्जा में शामिल हुई है तो इससे इस लाख की खेती करने वाले किसानों को अल्पकालीन ऋण मिलेगा, कृषि ऋण मिलेगा। जो आपके किसान रहते हैं, जो आपके खेती करते हैं, उन्हें अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण मिलता है। अब जो है लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल चुका है तो ये भी जो है अन्य किसानों की तरह अल्पकालीन ऋण के लिए पात्र होंगे। जीरो ब्याज दर पर जो ऋण प्रदान किया जाता है अल्पकालीन ऋण, उसके लिए यह पात्र होंगे। प्रदेश के लगभग 50,000 लाख की खेती करने वाले किसान इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 4,500 टन लाख की खेती की जा रही है वर्तमान में। प्रदेश सरकार के द्वारा इसे बढ़ा करके 10,000 टन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव जिसका आयोजन प्रतिवर्ष आपके मकर संक्रांति, ठीक है, 14 जनवरी को आपका मकर संक्रांति बनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो है आपके प्रतिवर्ष तातापानी महोत्सव का आयोजन होता है। यह 3 दिवसीय एक आपका महोत्सव, एक प्रकार का मेला होता है। यहाँ पे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पे सालों पुरानी एक आपकी शिव जी की प्रतिमा, कहाँ पर है ये तातापानी, तातापानी मौजूद है आपके बलरामपुर जिले में। यहाँ पे विशेष आकर्षण का केंद्र है गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत, जहाँ पे एक गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है, एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर आपका हमेशा गर्म पानी वहाँ से रिसते रहता है। मान्यता यह है कि इस गर्म पानी के इस प्राकृतिक स्रोत से स्नान करने पर, इस मकर संक्रांति के दिन स्नान करने पर जो है आपके चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। तो तातापानी महोत्सव का आयोजन कब होता है, मकर संक्रांति के दिन इस महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स या भारत नवाचार सूचकांक, नवाचार के क्षेत्र में राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, ठीक है, यह राज्यों की स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है आपका कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है 17 बड़े राज्यों की सूची में 16वें स्थान पर है। 17 बड़े राज्यों की स्थिति में 16वें स्थान पर है, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो आपका प्रदर्शन है ये आपका काफी खराब है, निराशाजनक प्रदर्शन है इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एकेडमी, जो कि मौजूद है आपके रायपुर में। इस छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एकेडमी का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी रखे जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा इस साल जो है एक निर्णय लिया गया है कि 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो है आपका जन्म जयंती रहता है, तो इस सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उनकी 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनके जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इसी कड़ी में हमारे प्रदेश सरकार ने इस छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एकेडमी का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी रखे जाने का घोषणा किया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वासुकी।
वासुकी, जो कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसका नाम है आपका वासुकी। देखिए वासुकी रेलगाड़ी, एक्चुअली में ये रेलगाड़ी ये आपकी एक मालगाड़ी थी, ठीक है, एक मालगाड़ी जिसका नाम है आपका वासुकी, भारत में अब तक चलाई गई सबसे लंबी रेलगाड़ी थी। इसकी लंबाई थी आपकी 3.5 किलोमीटर यानी कि लगभग 3.5 किलोमीटर। इसमें 295 डिब्बे थे, अगर इंजन को मिलाए तो लगभग आपके टोटल 300 वैगन इसमें शामिल थे। ये आपका इसका परिचालन किया गया आपके रायपुर रेल मंडल के द्वारा। इसकी स्पीड थी आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका परिचालन किया गया भिलाई से कोरबा के मध्य, भिलाई से कोरबा के मध्य इस वासुकी का परिचालन किया गया। हमारे प्रदेश में जो है, हमारे प्रदेश का जो आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इस जोन के द्वारा अब तक जो है आपके एनाकोंडा, शेषनाग, सुपर शेषनाग, सुपर एनाकोंडा, ये सभी आपके ऑलरेडी इन लंबी लंबी रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में जो आपके रायपुर रेल मंडल है उसके द्वारा वासुकी नामक एक रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। ये भारत में अब तक चलाई गई सबसे लंबी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो है आपके 3.5 किलोमीटर थी। वासुकी, वासुकी जो कि शेषनाग के भाई है, सांपों के राजा माने जाते हैं आपके शेषनाग, शेषनाग जो कि सेवक है आपके भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के सेवक है शेषनाग, और उसी शेषनाग के भाई है वासुकी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो आपके वासुकी जो है ये आपके सेवक है भगवान शिव के। इनका जो निवास क्षेत्र है ये कैलाश पर्वत के आसपास माना जाता है। देखिए पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन है वासुकी का कि जब आपका समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, जब आपका समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जो है समुद्र को मथने के लिए मद्राचल पर्वत को मथने के लिए यूज़ किया गया था, तथा उसके रस्सी के रूप में इसी वासुकी सांप का, क्योंकि ये सांप की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी वासुकी सांप का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था उस समुद्र को मथने के लिए। तो वासुकी पौराणिक कथाओं में जो है इनका वर्णन मिलता है जो कि शेषनाग के भाई है, तो इसी कारण इस रेलगाड़ी नाम रखा गया था आपका वासुकी। नेक्स्ट है आपका लघु वन उपज खरीदी में छत्तीसगढ़ अव्वल। अभी जो है इस साल पूरे देश भर में जितनी भी आपके लघु वन उपजों की खरीदी हुई है, क्रय हुआ है, उसमें से अकेले 73% लघु वन उपजों का क्रय यानी कि लघु वन उपजों की जो खरीदी है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, लगभग 3/4 के आसपास, ठीक है। पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश भर का 73% लघु वन उपज की खरीदी अकेले हमारे छत्तीसगढ़ से हुई है, ठीक है। प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में 52 लघु वन उपजों की खरीदी आपके समर्थन मूल्य पर की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 73% को याद रखिएगा, देश का 73% लघु वन उपजों का क्रय हमारे अकेले छत्तीसगढ़ से हो रहा है, अकेले छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका धरसा विकास योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा गया है शायद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आया था, या फिर पीएससी के ही इसी लास्ट ईयर के किसी न किसी एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वामी आत्मानंद के जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा किस नए योजना की घोषणा की गई थी। तो ये है आपका धरसा विकास योजना, 6 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई थी स्वामी आत्मानंद के जयंती के अवसर पर। क्या है ये जो आपका धरसा विकास योजना है, ये मोर गांव मोर खेत मोर रद्दा, ये योजना का पूरा एक लाइन में आप इस पूरे योजना को समझ सकते हैं। मोर गांव यानी कि मेरा गांव, मेरा खेत, उस गांव के अंतर्गत मेरा खेत, और उस खेत तक पहुंचने के लिए रद्दा यानी कि रास्ता, ये धरसा विकास योजना का मेन लक्ष्य है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, गांव में खेत खलियानों तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक पक्के रास्तों का निर्माण किया जाएगा इस धरसा विकास योजना के अंतर्गत। देखिए हमारे प्रदेश में जो है आपके सड़कों का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किया गया है, ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन ये बसाहटों के लिए है। अब जो है खेत खलियानों तक पहुंचने के लिए आपके पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा इस धरसा विकास योजना के अंतर्गत आपके स्वामी आत्मानंद के जयंती के अवसर पर 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी और यह एग्जाम में आया हो प्रश्न है, ठीक।
इसका उद्देश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टाइगर फिश। टाइगर फिश यानी कि शेर प्रजाति की मछली, शेर प्रजाति की मछली। ये जो टाइगर फिश है इसकी जो दांत होती है नुकीली, शेर की तरह नुकीली होती है, इसलिए इसे नाम दिया गया टाइगर फिश। इसका स्थानीय नाम है आपका महासिर पाई मछली, महासिर पाई मछली, जो कि हमारे प्रदेश में केवल सीकासार बांध गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद जिले के सीकासार बांध में ही ये मछली पाई जाती है, आपके टाइगर फिश, जिसका स्थानीय नाम है आपका महासिर पाई मछली। ठीक, नेक्स्ट है आपका डेनेक्स। डेनेक्स, ये डेनेक्स क्या है समझिएगा, डेनेक्स इसका फुल फॉर्म है आपका दंतेवाड़ा नेक्स्ट, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, जिसको शॉर्ट में नाम दिया गया है डेनेक्स, ठीक है, डेनेक्स। ये क्या है, ये जो डेनेक्स है ये कपड़े का एक ब्रांड है, ठीक है, कपड़े का एक ब्रांड है डेनेक्स। दंतेवाड़ा में एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, जिसका नाम है नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री, नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री, जो कि आपके इस नक्सल गतिविधि वाले दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में वहाँ के महिलाओं, स्व सहायता समूहों, पुरुषों, ये सभी के द्वारा जो है यहाँ पे कपड़े का निर्माण का एक फैक्ट्री खोला गया है, नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री। ऑलरेडी इस फैक्ट्री के साथ जो है आपका MOU यानी कि समझौता ऑलरेडी हो चुका है। ये जो फैक्ट्री है ये CRPF के जवानों की वर्दी, NMDC कर्मचारियों की यूनिफॉर्म और ट्राइफेड के लिए जो ड्रेस की आपूर्ति करेगी, ये आपकी डेनेक्स ब्रांड की कंपनी, यानी कि नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री जो है, जिसका जो ब्रांड है आपका डेनेक्स, वो CRPF की जवानों की वर्दी तैयार करेगी, NMDC के कर्मचारियों की यूनिफॉर्म तैयार करेगी और आपका ट्राइफेड के लिए ड्रेस तैयार करने का कार्य करेगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वर्गीय बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज। हमारे प्रदेश के 3 स्थानों पर आपके नए मेडिकल कॉलेज जो है प्रस्तावित है, उसमें से एक है आपके कोरबा, तो कोरबा के मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर। ठीक, नेक्स्ट है आपका चकरभाटा हवाई पट्टी, चकरभाटा हवाई अड्डा, ये मौजूद है आपके बिलासपुर में। चकरभाटा हवाई अड्डे का नाम रखा गया है आपके बिलासाबाई केवटिन के नाम पर, बिलासाबाई केवटिन के नाम पर आपके चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासपुर का नाम रखा गया। बिलासपुर के हवाई अड्डा नाम रखे जाने के लिए 2 नाम प्रस्तावित था, एक था आपका महामाया, माता महामाया के नाम पे, और दूसरा था आपके बिलासाबाई केवटिन। अब फाइनल तरीके से मुहर लग चुकी है कि जो चकरभाटा हवाई अड्डा है, ये चकरभाटा जो आपका हवाई पट्टी है उसका नाम रखा जाएगा बिलासाबाई केवटिन के नाम पर। तो ये था आपका जनवरी माह का करंट अफेयर। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, 25 फरवरी 2021 से CGPSC प्री की ऑफलाइन एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। किसी भी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।